यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंसान तो इंसान भगवान का भी विस्थापन किया गया है। लगभग 3000 परिवारों के विस्थापन के बाद अब इस इलाके से हनुमान जी की बरसों पुरानी मूर्ति को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। बजरंगबली की लगभग 20 फीट ऊंची मूर्ति रोही गांव के प्राचीन मंदिर में स्थापित थी। इस मंदिर की काफी महत्ता मानी जाती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और अलीगढ़ समेत कई जिलों से लोग यहाँ पवन पुत्र के दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन अब इसे पूरी एहतियात के साथ बनवारी लाल बाग में शिफ्ट कर दिया गया है। मूर्ति हटाने के दौरान प्रशासन ने पूरी सावधानी बरती ताकि मूर्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। मूर्ति हटाने के लिए प्रशासन और अथॉरिटी की टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल किया। रोही गांव के लोगों में से कुछ मूर्ति को जेवर बांगर में स्थापित करना चाहते थे और कुछ इसे गंगा में विसर्जित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन आपसी बातचीत के बाद सहमति बनी कि हनुमान जी की मूर्ति को बनवारी लाल बाग में भिजवा दिया जाए। जेवर एयरपोर्ट के लिए रोही गांव की जमीन का भी अधिग्रहण किया गया है। जेवर में बनवारी लाल बाग के पास ही रोही के लोगों ने छोटी रोही गांव बसाया है। यहां लगभग 114 परिवार रह रहे हैं। यहीं पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवान शिव की भी एक मूर्ति को नई जगह पर वैदिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया गया है।